हेलो नमस्कार, मैं नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक, एक बहुत ही नया टॉपिक। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जेई मेंस और जेई एडवांस की बुक्स के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। जितने ज्यादा वीडियो देख रहे हैं उतना ही कंफ्यूजन हो रहा है। गूगल पे भी एज सच ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ बेस्ट बुक की लिस्ट, मेन्स और एडवांस दोनों, प्लस आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी गाइड्स बताने वाला हूं, बुक्स बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा जरूरी। और ये वो बुक्स हैं जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं। अगर आप जेई मेंस और एडवांस के जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी यही बुक कहते हैं, सजेस्ट यही करते हैं कि यही आपको पढ़ना चाहिए। आप लोग जानते हैं, समझदार हैं, 10-15 बुक्स हर कोई टीचर सजेस्ट करता है, लेकिन वहां से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कितना कुछ पढ़ना। तो 3-4 बुक्स मैं बताने वाला हूं और आपको डेडिकेटेडली पूरे साल जितना भी आपके पास टाइम है उन्हीं पे फोकस करना है। 10 बुकें नहीं पढ़नी है, 2 या 3 के नाम बोलूंगा मैं, सिर्फ वही रेफर करनी है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितनी बुक्स मैं डिस्कस करने वाला हूं सबके जो लिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ लिख रखा है, प्लस Amazon का लिंक भी दे रखा है। इनकेस आपको परचेज करनी है तो क्लिक करेंगे तो सीधा Amazon में रिडायरेक्ट करेगा, आपको बुक का कवर पता लग जाएगा, प्राइस पता लग जाएगी। अगर खरीदना चाहते हैं बहुत अच्छा डिस्काउंट है अमेज़न पे, वहां से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास है तो तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स, और ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए है, राइट? तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, राइट? और जेई मेंस और एडवांस में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मेंस का अलग बना रखा है मैंने, एडवांस का अलग बना रखा है। एक कॉमन बच्चों के लिए जो 10th और 11th में, उनके लिए जेई मेंस और एडवांस समझाने के लिए उनके लिए अलग वीडियो है, राइट? तो पूरे 3 डेडिकेटेडली वीडियो है इस टॉपिक पे। फिजिक्स में देखते हैं सबसे पहले जो 3 बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले, सबसे बाप ऑफ ऑल गुरुज बोलते हैं, बाप ऑफ ऑल बुक्स बोलते हैं, राइट? तो यहां पर है फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की, राइट? 11th और 12th बेस है आपका, वो तो आपको करनी, सबसे पहला बेस है, फंडामेंटल आपको क्लियर करने। तो जो 11th और 12th की फिजिक्स है वो आपको अच्छे से निपटा लेनी है, अच्छे से। फिर बढ़ेंगे आगे, रिफ्रेशर या गाइड्स कौन सी फॉलो करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 और 2, दो पार्ट है HC वर्मा सर के, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाइबल बोलते हैं फिजिक्स की HC वर्मा सर को, राइट? तो इनकी जो 2 बुक है पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों आपको अच्छे से करने हैं, राइट? आगे बढ़ेंगे, अरिहंत के 41 ईयर सॉल्व पेपर, ये हर सेक्शन के लिए आपको लेने कंपलसरी है, तभी प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर ही आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। और बहुत कुछ रिपीट भी होता है, तो ये है, गलत फहमी में मत रहिएगा, जो एक बार आ गया वो वापस नहीं आएगा, बहुत कुछ रिपीट हो रहा है लेटेस्ट पैटर्न में भी। तो आपको अरिहंत के 41 ईयर्स सॉल्ड पेपर खरीदने हैं, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो तीनों बुकों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री की तरफ, अगेन सेम थिंग, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी 11th और 12th की सबसे पहले रेफर करनी है, वो क्लियर कर ली, उसके बाद बढ़ेंगे हम। केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे बड़ा है तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत है केमिस्ट्री में। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है MS चौहान सर की बुक से। किनकी बुक से? MS चौहान सर की बुक से हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेडी ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है बाय सुदर्शन गुहा सर की, राइट? जेडी ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री के नरेंद्र अवस्थी की बुक अपन को पढ़नी है। पूरा क्लियर? ये तीनों बुकों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगेन इंपॉर्टेंट है, अरिहंत के 41 ईयर के सॉल्व पेपर, ये भी आपको निकालने हैं केमिस्ट्री में। तो कुल मिला के ये 4 या 5 चीजें आपको करनी है। सिलेबस लंबा है तो ज्यादा फोकस देना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री में। पूरा क्लियर? हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, एक हो गई ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। एनसीईआरटी करनी है और सॉल्व पेपर अरिहंत के आपको मंगाने, राइट? सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स में देखते हैं, मैथमेटिक्स में क्या करना है, अगेन एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th को फॉलो करना है, कंप्लीट करनी है, उसके बाद अरिहंत का ही मैथमेटिक्स जेई मेंस और एडवांस का बुक का सेट आता है। कितनी बुक का? 7 बुक का सेट आता है, वो परचेज कर लीजिए। मेंस और एडवांस दोनों की छुट्टी हो गई, आपके और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं सेट में कौन कौन सी बुक्स हैं और परचेस करनी है या नहीं करनी, वो आपको डिसाइड करना है, राइट? आगे देखेंगे अरिहंत के 41 इयर्स के सॉल्व पेपर मैथमेटिक्स में भी आपको परचेस करने हैं। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? तो ये रहा मैथमेटिक्स का हमारा जेई मेंस और एडवांस की बुक का लिस्ट। हो रहा है क्लियर? अब बढ़ते हैं आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हैं,
क्योंकि पेपर सेकंड मेंस में और एडवांस में आपका थर्ड पेपर AAT आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, उनमें कैसे कवर करना है आपको। अ कंप्लीट सेल्फ स्टडी गाइड फॉर बीआरटी अरिहंत एक्सपर्ट की आती है, ये मस्ट है बुक है आर्किटेक्चर के स्टूडेंट के लिए, ये आपको परचेज करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन ड्राइंग टेस्ट जो आपका होता है राइट, याद है, उसके लिए निमिष मदान की बुक आती है, वो आपको परचेज करनी है। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट। तो ये है बेस्ट बुक, इनके अलावा अगर कुछ नहीं फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, औरों के बहकावे में आके या औरों के सजेशन, क्योंकि बुक्स बहुत सारी है, एक से एक बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है ये क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, फिल्टर करनी आनी चाहिए चीजें, क्योंकि जितनी नॉलेज आप गेन करोगे राइट, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, एग्जामिनेशन क्रैक करना है राइट, तो उतनी बुक पढ़िए जितनी आपको अच्छे रैंक दिला सके, आपको अच्छे IITs वगैरह दिला सके राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ बुक्स वगैरह के लिस्ट आपको मिल गई होगी, डिस्क्रिप्शन में हर बुक का लिंक गिवन है, Amazon पे अच्छा खासा डिस्काउंट है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो अपनी शॉप्स जो दुकानें हैं आसपास वहां पर अगर मिल जाती है इन केस तो वहां से ले सकते हैं, बुक्स पहले से अवेलेबल हैं तो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ना चालू कर दीजिए। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा, लाइक करके जरूर जाइएगा, इन केस अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, इन केस ऐसे वीडियोस फ्यूचर में चाहिए। ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।